ब्यूटी और ह्यूमैनिटी के लिए ड्यूटी की बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारी सविता भाभी से मिलने का। सविता आज फिर किताब लिख रही हो? हाँ, मेरी किताब थी ना ये गोल स्पॉट, उसका एक सिक्वेल लिख रही हूँ। अच्छा, क्या नाम है? फिर गोल स्पॉट। जैसे फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा आया है ना। हाँ, उसमें तुम नहीं दिखे। मैं ऐसी फालतू चीजों में नहीं आती, समझे? ठीक कहा सविता। यू नो तुम बहुत फैसिनेटिंग हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा टेस्ट करना चाहता हूँ। ओह, यू मीन टेस्ट? टेस्ट नहीं, टेस्ट। तुम्हारा साइको एनालिसिस, तुम्हारा रोसैश टेस्ट। क्या ये रोर 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 क्या? रोसैश टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट भी बोलते हैं इसे, साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। रोसैश टेस्ट? अब ब्लॉट्स तो मुझे पसंद है पर साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? उन्हें श्रिंक बोलते हैं ना, एंड यू नो दैट आई डोंट लाइक एनी थिंग्स दैट श्रिंक। आई नो सविता यू लाइक स्वेल थिंग्स। मैं तुम्हें तीन इंक ब्लॉट्स दिखाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में उन्हें देखकर जो सबसे पहली इमेज आए वो बोलना। अच्छा ठीक है। ये बताओ क्या लग रहा है? एक आदमी और औरत सेक्स के बाद। आदमी और औरत दिख रहे हैं, वो तो मैं मान सकता हूँ, सेक्स के बाद ये कैसे पता लगा? ध्यान से देखो सुमित, आदमी अपने हाथ को देख रहा है, मतलब घड़ी देख रहा है। That explains it. क्या बात है, क्या बात है। अगला देखो और बताओ। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता हुआ कपल है। ये? अरे ये तो चिड़िया है सविता। I mean, चिड़िया ही लग रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल कपल कैसे? तुमने कहा था जो फर्स्ट इमेज आए वही बताना, और चिड़िया को देखकर मुझे यही याद आता है। मेरा जो पहला अफेयर था ना, उसमें हम लोग चिड़ियाघर में मिलते थे, इसलिए ऐसा हो सकता। अब जान रहा हूँ ना तुम्हें। ये लो, ये लास्ट वाला बताओ। ये तो बहुत ही एक्सप्लिसिट फोटो है। फोर डॉट्स मतलब चार लोग एक साथ। सविता, आई थिंक ये टेस्ट तुम्हारे लिए ही बनी है। इतने सेक्सी जवाब और कोई नहीं। जी करता है जब तक पेन में इंक खत्म ना हो जाए मैं टेस्ट देता रहूं और तुम टेस्ट लेती रहो। आई लाइक दिस रॉश एफ। अनजान को भी जान लेता है। इट्स रोसैश टेस्ट। अच्छा एनीवे, रोसैश टेस्ट गया भाड़ में, मैं तुम्हें ऐसे ही जानता हूँ। बाय सविता। क्या सुमित, व्हाई डोंट यू गिव मी सम मोर टेस्ट? वेरी सून सविता, वेरी सून, राइट नाउ इट्स टाइम फॉर बूथनाथ, जहां लोग लोड शेडिंग पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद।